हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शिवशंकर शेफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा रेसिपी जिसका नाम है भेज शेज़वान बीजिंग फ्राइड राइस। हाँ फ्रेंड, ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है और बहुत ही अच्छा रेसिपी है, घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जैसे कि उसका साथ हमको स्पाइसेस क्या क्या यूज करना है, शिजवान सॉस हमने ले लिए हैं, सोया सॉस थोड़ा सा हमने लिए हैं, उसका साथ वाइट पेपर, वाइट सॉल्ट और साथ में ब्लैक पेपर और स्टार फूल जो होता है उसका मसाला मतलब पीस लिए हम उसको, और उसका साथ हम कुछ वेजिटेबल यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं और बेबीकॉर्न भी। अगर आपका घर पर मशरूम या बेबीकॉर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना मशरूम और बेबीकॉर्न का भी हो जाएगा। और साथ में कैबेज, रेड कैबेज, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ओनियन और कैरेट्स भी वेजिटेबल में यूज कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, और ये देखिए स्टार फूल जो उसको हमने पाउडर बनाए हुए थे जिसके बारे में हमने बतलाया है। और ये देखिए बॉइल्ड किया हुआ राइस। राइस तो आप लोग घर पे कैसे बॉइल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, जैसे कि एक दो घंटा भिगोने के बाद पानी उबाइल करने के बाद आपको राइस बना लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। सबसे पहले हमने ओनियन ले लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड, ओनियन को हम एकदम थोड़ा सा क्यूब कटिंग में काटेंगे, क्योंकि ये जो फ्राइड राइस है थोड़ा सा अलग है वेजिटेबल फ्राइड राइस से, थोड़ा सा हटके है और देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, जैसे खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो उसी शेप में फ्रेंड, ये देखिए हमने रेड कैप्सिकम भी कटिंग कर लिए हैं। हाँ फ्रेंड, तो आप लोग भी ऐसे बारीक बारीक से एक एक वेजिटेबल को कटिंग कर लें, और साथ में जो आपको मीजा चाहिए पहले वो रेडी कर लें, उसका बाद आप कुकिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आपका मीजा रेडी नहीं रहेगा तब तक आप कुकिंग नहीं कर सकते। क्योंकि एक एक करके सामान जब भी आप काटेंगे, डालेंगे, यूज करेंगे तो आपका खाना कभी भी सही नहीं बन सकता। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है सामान जुगाड़ कर लेना, जैसे कि मीजा रेडी कर लेना हम लोग बोलते हैं। हाँ फ्रेंड, तो आप लोगों ने देखा येलो कैप्सिकम और साथ में ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैबेज हमने कटिंग कर लिया है, और ये रहा कैरेट। ये देखिए कैरेट को कटिंग करने का तरीका कैसा है। कैरेट को सबसे पहले ये देखिए हमने छील लिया, उसका बाद धुलाई करने के बाद इसको जो है हम इसको डाइस कटिंग में काटेंगे। तो सबसे पहले डाइस कटिंग में काटने के लिए इसको हम ऐसा कटिंग कर लेते हैं डाइस कटिंग टाइप का, और इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। हाँ फ्रेंड, जब काटेंगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ फ्रेंड, तो आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई करें, और ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड। तो चलिए आप लोग एक एक करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फ्लो करते रहें और अंत तक देखें कैसे बनाते हैं भेज शेज़वान बीजिंग फ्राइड राइस। हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप ना करें। तो ये देखिए बेबीकॉर्न भी हमने एकदम क्यूब कटिंग में, छोटा छोटा कटिंग में काट लेते हैं। हाँ फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके घर पे जितना सारा वेजिटेबल मैंने आपको दिखला रहा हूँ अगर वो नहीं हो तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से। अगर आपको घर पे रात में भात बच गया मतलब राइस बच गया, उसको हम बना सकते हैं बहुत ही ईजिली फ्राइड राइस, है कि नहीं फ्रेंड। शेज़वान सॉस तो बाज़ार से भी मिल जाता है। तो ये देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पनीर जो है हम क्यूब कटिंग भी काट लेंगे। हाँ फ्रेंड, अगर आपको शेज़वान सॉस का रेसिपी चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल पे आराम से बहुत ही आसान तरीका से मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने सभी तरह का वेजिटेबल भी कटिंग कर लिया हूँ, स्पाइसेस भी ले लिया हूँ साथ में, और साथ में हमने बॉइल किया हुआ राइस स्टार फूल के साथ रखा हुआ वो भी आप देख रहे हैं। हाँ फ्रेंड, सभी स्पाइसेस का हमने नाम भी बोल दिए, सभी वेजिटेबल्स का नाम भी बोल दिए। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही आप लोगों को समय नहीं लेते हुए बनाना, मतलब फ्राइड राइस कैसे कुकिंग करें बनाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही एकदम कम समय में ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये देखिए सबसे पहले हमने गैस को जला लिया हूँ, और साथ में एकदम 2 स्पून के जैसा रिफाइंड ऑयल मतलब तेल जो होता है ना वो हम ले लिया हूँ, साथ में थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया हूँ चॉपिंग किया हुआ। हाँ फ्रेंड,
आपको कैसे कुकिंग करना स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं दिखला रहा हूँ। उसके बाद आपको ऐड करना है ऑनियन, उसके बाद रेड कैप्सिकम, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ग्रीन कैप्सिकम, उसके बाद येलो कैप्सिकम, उसके बाद आप जो वेजिटेबल जो है आपका घर पे अवेलेबल वो भी ऐड कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, अगर आपका घर पे इतना सारा वेजिटेबल नहीं है तो कैरेट और बीन्स और फूलगोभी और कैबेज मिला के भी बना सकते हैं। हाँ फ्रेंड, फूलगोभी भी ऐड कर सकते हैं फ्राइड में, फ्राइड राइस में, क्योंकि हम लोग प्रॉपर इंडिया में चाइनीज ओरिजिनली चाइनीज कुकिंग करके नहीं खा सकते हैं। हाँ फ्रेंड, इसीलिए ये देखिए वेजिटेबल जलने के बाद हमने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया जो अच्छा से पक जाए, और साथ में थोड़ा सा ड्राई चिली डाइस कटिंग किया हुआ और ऐड किया हूँ, और ये देखिए रेड कैप्सिकम रेड कैबेज और कैबेज हमने ऐड किया हूँ इसमें, जो नॉर्मल कैबेज बाजार में मिल जाता है। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ राइस ऐड कर लेता हूँ और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, मतलब मसाला। हाँ फ्रेंड, तो आप लोगों को मैंने जो जो स्पाइसेस दिखलाया, ये देखिए थोड़ा सा सोया सॉस, आप सोचते होंगे ये तो सिजवान फ्राइड राइस बोले सोया सॉस क्यों ऐड करते हैं, हमने भेज सिजवान बिजनिंग फ्राइड राइस बोले हैं। हाँ फ्रेंड, इसीलिए आपको ये सब चीज़ ये सब स्पाइसेस दिखाई देता हुआ, साथ में हमने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सिजवान सॉस भी इस्तेमाल कर चुके हैं। हाँ फ्रेंड, हल्का सा इसमें आप वाइट विनीगर भी ऐड कर सकते हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार आपको लगने वाला है, क्योंकि इसमें हमने पनीर और पूरा मिक्स फ्राइड राइस का जैसा हमने इसमें रेसिपी ऐड किया हूँ। हाँ फ्रेंड, मिक्स फ्राइड राइस में तो आप बहुत सारा कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें ऐड नहीं किया हूँ तो आप लोगों के लिए शायद मिक्स फ्राइड राइस का रेसिपी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा हूँ, नहीं तो लेके आऊँगा नया, है ना फ्रेंड। तो चलिए आप लोग ऐसे ही घर पे स्टेप बाय स्टेप फ्लो करते रहे और अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, कैसे हम गेस्ट के सामने सर्विंग करते हैं। तो चलिए हो गया ये फ्रेंड मेरा फ्राइड राइस, अब हम स्टार्ट करते हैं आपको गेस्ट के सामने कैसे सर्विंग करते हैं। हाँ फ्रेंड, तो आप लोगों ने देखा कैसे बनाते हम भेज सिजवान बिजनिंग फ्राइड राइस। तो ये देखिए सबसे पहले हमने एक पास्ता बाउल ले लिया और उसमें सर्विंग किया हूँ फ्राइड राइस, गार्निशिंग भी कर दिया हूँ टमाटो और कुकुम्बर का। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, रुकिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली न्यू रेसिपी लेके आते ही रहता हूँ। तो आप लोग अगर बेल आइकन दबा के रखेंगे तो ज़रूर मैं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए थैंक यू, कल फिर मिलेंगे इसी समय।